प्यारे विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बांसू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने पढ़ा साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन। अब हम साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म के समापन में अंतर क्या है, उस अंतर को जानेंगे, अर्थात अंतर का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि साझेदारी का समापन किसे कहते हैं और साझेदारी फर्म का समापन किसे कहते हैं। कि जब समस्त साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद हो जाता है, जब समस्त साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फर्म का समापन कहते हैं, और जब एक साझेदार का अन्य साझेदारों से संबंध विच्छेद हो जाता है तो उसे कहते हैं साझेदारी का समापन। दोनों में अंतर है। अब दोनों को किस किस प्रकार से उनमें अंतर जांचा गया है, किन किन कारणों के आधार पर क्या क्या अंतर होते हैं, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। देखिएगा, साझेदारी का समापन वह साझेदारी साझेदारी वह साझेदारी फर्म के समापन में अंतर, अर्थात डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। देखिए, साझेदारी और साझेदारी फर्म दोनों में क्या अंतर है, दोनों के समापन में क्या अंतर है। नंबर आप यहाँ पे टेबल बढ़ाओगे, टेबल के आधार पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, नंबर एक कॉलम बना दो, अंतर का आधार। अंतर का आधार, और नंबर दूसरा कॉलम बना दो साझेदारी का समापन। नंबर तीसरा कॉलम बनाओगे साझेदारी फर्म का समापन। हम कैसे समझने का प्रयास करेंगे, अंतर का आधार पहला कॉलम अपने पास, यहां पर हम अर्थ के आधार पर या परिभाषा के आधार पर दोनों में क्या अंतर है, अर्थ या परिभाषा के आधार पर दोनों में क्या अंतर है साझेदारी के समापन में और साझेदारी फर्म के समापन में। तो हम यहाँ पे साझेदारी के समापन में लिखेंगे, जब एक साझेदार का अन्य साझेदारों से संबंध टूट जाता है, अर्थात संबंध विच्छेद हो जाता है, उसे साझेदारी का समापन कहते हैं। कि जब एक साझेदार का अन्य साझेदारों से संबंध टूट जाता है, अर्थात संबंध विच्छेद हो जाता है, तो उसे साझेदारी का समापन कहते हैं। लेकिन साझेदारी फर्म का समापन क्या होता है, यहां हम परिभाषा लिखेंगे, इसकी अर्थ लिखेंगे कि जब सभी साझेदारों
का आपस में संबंध टूट जाता है या सभी साझेदारों का संबंध विच्छेद हो जाता है। उसे साझेदारी फर्म का समापन कहते हैं। देखिए, साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी का समापन कब होता है, क्या किसे कहते हैं कि जब एक साझेदार करने साझेदार संबंध टूट जाता है या संबंध विच्छेद हो जाता है तो उसे साझेदारी का समापन कहते हैं, क्योंकि उस समय साझेदारी का ही समापन हो पाता है, फर्म का समापन नहीं हो पाता है। लेकिन जब सभी साझेदारों का आपस में संबंध टूट जाता है या सभी के मध्य संबंध विच्छेद हो जाता है तो उसे फर्म का समापन कहते हैं, क्योंकि जब समस्त साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद हो जाते हैं अर्थात समस्त साझेदारों के संबंध आपस में टूट जाते हैं तो उस समय फर्म का समापन स्वतः ही हो जाता है, और जब फर्म का समापन होता है तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। ये हमने अंतर पढ़ा अर्थ के आधार पर अर्थात परिभाषा के आधार पर। अब नंबर दो पढ़ेंगे हम स्थितियों के आधार पर। स्थितियां देखिए, अब स्थितियों का अर्थ यह है कि किन किन स्थिति में फर्म का समापन होता है, किन किन स्थितियों में साझेदारी का समापन होता है, किन किन स्थितियों में तो साझेदारी का समापन होता है, किन किन स्थितियों में साझेदारी फर्म का समापन होता है। देखिए, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। नंबर ध्यान एवं साझेदारी के समापन में नए साझेदार के प्रवेश करने पर, नए साझेदार के प्रवेश करने पर कोमा किसी साझेदार के फर्म से निवृत्त होने पर, फर्म से निवृत्त, निवृत्त का मतलब अवकाश ग्रहण करना, रिटायरमेंट होना, नेक्स्ट किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर यदि कोई साझेदार फर्म में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी साझेदारी का समापन हो जाता है। नेक्स्ट, लाभ हानि अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने पर, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाए, कोई साझेदार फर्म में प्रवेश कर जाए, कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर ले, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, या फिर कोई भी अन्य कारण जिससे, कोई भी अन्य कारण जिससे फर्म में अंतर हो, फर्म में अंतर हो जाए तो ऐसी स्थिति में फर्म का, ऐसी स्थिति में साझेदारी का समापन हो जाता है, साझेदारी का समापन हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन जो होंगी वो साझेदारी फर्म के समापन पर भी होंगी कि साझेदारी फर्म का समापन कब कब हो सकता है, किन किन स्थितियों में हो सकता है। अब उसके लिए अभी थोड़ी देर, अभी उससे पहले एक वीडियो में आपको पढ़ाया था कि फर्म के समापन के प्रकार, वो हमारी स्थितियां हैं, उन स्थितियों के आधार पर फर्म का समापन हो सकता है। उसमें पढ़ाया था समझौते के आधार पर, समझौते के आधार पर अनिवार्य रूप से नंबर 3 नोटिस द्वारा,
नंबर चार, न्यायालय द्वारा और नंबर पांच, विशेष घटना के घटित होने पर, विशेष घटना के घटित होने पर। ये कंडीशंस, पांच कंडीशंस हैं, इन पांच कंडीशंस के आधार पर किसी भी सार्वजनिक फर्म का समापन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने दो कंडीशंस पढ़िया, अर्थ के आधार पर हमने दो तरीके से साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंतर के आधार, के अंतर के आधार में लिखते हैं। अगला जो अंतर का आधार होगा, जिसके आधार पर साझेदारी और साझेदारी फर्म दोनों के समापन का अंतर दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास व्यवसाय को जारी रखना। व्यवसाय को जारी रखना, देखो व्यवसाय को जारी रखने के आधार पर साझेदारी का समापन और फर्म के समापन में क्या अंतर है, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी व्यवसाय में ए, बी और सी तीन साझेदार हैं। अगर ए साझेदार की मृत्यु हो जाती है या ये अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में फर्म का समापन तो हो जाएगा, इसको साझेदारी का समापन तो हो जाएगा, लेकिन शेष साझेदार चाहे तो व्यापारिक क्रियाओं को चालू रख सकते हैं। शेष साझेदार बच गए बी और सी, ये किसी भी साझेदारी व्यवसाय को चालू रख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि अगर यदि साझेदारी का समापन हो जाता है, तो साझेदारी का समापन होना ही साझेदारी फर्म का समापन नहीं हो सकता, अर्थात साझेदारी के समापन होने के बाद भी साझेदार चाहे तो साझेदारी फर्म को चालू रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साझेदारी के समापन के बाद भी शेष साझेदार साझेदारी व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय को चालू रख सकते हैं। अगली, अब ये कंडीशन अंतर के आधार पर रखा है व्यवसाय को जारी रखना, उसी के आधार पर साझेदारी फर्म का समापन हो जाए तो क्या होगा, साझेदारी फर्म का समापन जब हो जाता है तो उसके बाद व्यवसायिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, और व्यवसायिक क्रियाएं बंद होने पर साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है और व्यवसाय को आगे चालू नहीं रखा जा सकता। साझेदारी फर्म के समापन के बाद समस्त व्यावसायिक क्रियाएं बंद कर दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं, जिससे व्यवसाय को आगे चालू नहीं रखा जा सकता है, चालू नहीं रखा जा सकता है। अगर व्यवसायिक क्रियाओं को बंद कर दिया जाए तो फिर व्यवसाय को आगे चालू नहीं रखा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि किस आधार पर अगला आधार आता है अपने पास, अंतर का आधार समाप्ति। समाप्ति के आधार पर फर्म के समापन में और साझेदारी फर्म के समापन में क्या अंतर है, तो साझेदारी के समापन, साझेदारी के समापन के बाद,
साझेदारी के समापन के बाद या साझेदारी के समापन साझेदारी के समापन से समापन से फर्म की समाप्ति फर्म की समाप्ति या फर्म का समापन होना अनिवार्य नहीं है। होना अनिवार्य नहीं है। साझेदारी के समापन से साझेदारी फर्म का समापन होना अनिवार्य नहीं है। साझेदारी समाप्त हो सकती है लेकिन साझेदारी फर्म समाप्त नहीं हो सकती। अगर शेष साझेदार चाहे तो व्यापार चालू आगे चालू रख सकते हैं, लेकिन यदि साझेदारी फर्म का समापन हो जाए तो फिर साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। साझेदारी फर्म के समापन से साझेदारी स्वतः ही बंद हो जाती है। साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये है अपना विद्यार्थियों साझेदारी व साझेदारी फर्म के समापन में अंतर। अब अगला टॉपिक अपने पास कुछ वैधानिक क्रियाएं आएंगी जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।